हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग करेंगे फोर्थ स्टैंडर्ड के बच्चों का हिंदी बाल भारती, जो कि है चैप्टर नंबर 6, जो कि अपना फर्स्ट सेमेस्टर में बच्चों को ये चैप्टर आने वाला है। तो आ जाओ मेरे साथ ये लर्न करो। बहुत ही अच्छे से सिंपल से स्टोरी है ये है 6, जल्दबाजी। जल्दबाजी यानी हमेशा घाई करना, फटाफट काम करना, तो उसके ऊपर ये स्टोरी पूरी बेस है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, एक लड़की है, एक बूढ़ी आंटी है, प्लस यहाँ पे एक ऑटो रिक्शा वाले हैं, तो वो सब हमें इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है ना? तो आ जाओ हम लोग फटाफट से ये चैप्टर लर्न करते हैं कि ये चैप्टर है क्या और किसके ऊपर है। संजना नाम की एक लड़की थी, वह दूसरी कक्षा में पढ़ती थी। बहुत चुलबुली और चंचल स्वभाव की थी। यानी इस स्टोरी में मेन लीड कैरेक्टर का नाम है संजना, जो कि बहुत ही स्वीट लड़की थी और बहुत ही चुलबुली, यानी बहुत ही बोलते हैं ना एक्टिव, बहुत ही एक्टिव लड़की थी, और जिसका स्वभाव बहुत चंचल, चंचल यानी बहुत ही नटखटापन था। वो बहुत ही होशियार भी थी, यानी वो बहुत ही टैलेंटेड भी थी, बहुत ही स्मार्ट भी थी। पास पड़ोस में सभी की मदद करती थी, परंतु उसे हर काम जल्दबाजी में करने की आदत थी। यानी आसपास के, यानी उसके जो नेबर्स थे, उसकी हमेशा मदद करते थे, वो हमेशा लोगों की मदद करती थी और लोगों के काम में भी आती थी। लेकिन उसमें एक बैड हैबिट थी, और वो बैड हैबिट ये थी कि वो ना हर काम बहुत घाई घाई में करती थी, बहुत फास्ट 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 फास्ट, मतलब फटाफट करो और हट जाओ। इसी गड़बड़ी में उसके सारे काम बिगड़ जाते थे, यानी हमेशा फास्ट फास्ट काम करने के चक्कर में उसका सारा काम खराब होता था। घर में भी हड़बड़ी में उसके हाथों से बर्तन गिरते थे, उसका किसी से टकराना तो आम बात थी। एक दिन जल्दी में वो दादी माँ से टकरा गई, खुद भी गिर गई और पानी का ग्लास भी गिर गया। दादी माँ ने उसे समझाया कि हड़बड़ी ना करे। यानी एक दिन ऐसा हुआ कि वो फटाफट से भाग के कहीं जा रही थी और उस सामने उसकी दादी आ गई और उनके हाथ से ग्लास का पानी गिर गया, और जिसकी वजह से वो गिर गई। तो दादी ने कहा, बेटा इतना हड़बड़ी नहीं करते, आराम से करते हैं। अब एक दिन की बात है, वो पाठशाला के सामने रिक्शे से उतर रही थी। जल्दबाजी में बस्ता रिक्शे में फंस कर फट गया। अब बस्ते से सारा सामान ज़मीन पर गिर गया। यह देखकर वह रोने लगी। अब रिक्शे वाले काका ने उसे समझाया, बेटी संजना, कोई काम जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए, उसे इससे काम बिगड़ जाता है। रिक्शे वाले ने अपने पास एक थैली में उसका सारा सामान रख कर दे दिया। यानी अब एक दिन की बात है, जब वो स्कूल जा रही थी, पाठशाला यानी स्कूल जा रही थी, तो वो फटाफट से रिक्शे से उतरने के चक्कर में उसका बैग फंस गया और फट गया, ठीक है। और जब फटा तो सारा बुक्स नीचे गिर गया। अब ये सब देख के वो डर भी गई और रोने भी लगी। अब जब रोई तब रिक्शे वाले अंकल बहुत ही हम्बल थे, काइंड थे, तो उन्होंने बोला, बेटा रो मत। उनके पास एक पॉलीथीन थी जो उन्होंने उस बच्ची को दिया, उसमें उसका सारा सामान भरा और उससे कहा कि कभी भी कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए, इससे हमारा सारा काम बिगड़ जाता है। संजना ने कहा, काका जी आपने सही कहा, आज से मैं निश्चित करती हूँ कि कोई काम जल्दबाजी में नहीं करूँगी। रिक्शे वाले काका जी को धन्यवाद देती हुई वो पाठशाला की ओर चल पड़ी। यानी अब इन सारी चीज़ों से उसको एक लेसन मिल गया कि मुझे कोई भी काम फटाफट नहीं करना है। तो उसने रिक्शे वाले अंकल को प्रॉमिस किया कि ठीक है, आज से मैं कोशिश करूँगी कि मैं कोई भी काम जल्दबाजी में ना करूं, आराम से करूं, अच्छे से करूं और ढंग से करूं। तो ये था हमारा जल्दबाजी का चैप्टर, यहीं पर कंप्लीट होता है। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि कोई भी काम हमें कभी भी घाई में नहीं करना चाहिए। एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, जैसे बच्चों के साथ होता है, पढ़ के तो घर से सब जाते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में जाने के बाद वो क्वेश्चन पेपर आंसर लिखने के चक्कर में इतना घाई गड़बड़ी कर देते हैं कि बच्चों से स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है, या फिर एक आधा क्वेश्चन छूट जाता है, वो आंसर लिखना होता है फर्स्ट में तो वो लिख देते हैं सेकंड में, तो इस चक्कर में वो घाई, याद तो उनको सब है,
लिखना क्या है उन्हें सब पता है, लेकिन जल्दबाजी में वो मिस्टेक कर देते हैं, मार्क्स कट जाता है, फिर बाद में पेरेंट्स के डंडे पड़ते हैं, वो अलग। तो कभी भी हमें घाई नहीं करना चाहिए। अब इसमें है क्वेश्चन आंसर, सुनो समझो और दोहराओ। तो ये आपको सुनना है, यानी बस्ता पुस्तक रबड़, ये सुनना है और पढ़ना है। सुनो और बताओ, एक वचन बहुवचन, एक वचन या बहुवचन। तो ये आपको सॉल्व करना है, एक वचन यानी वन एंड मैनी, ये आपको इसमें फाइंड आउट करके बताना है, ठीक है। अब है दिए गए वर्णों को वर्णमाला के क्रम से लिखकर पढ़ो। तो ये आपको वर्ड्स ऊपर नीचे हैं, आगे पीछे हैं, आपको इसे करेक्ट आप ऑर्डर में कंप्लीट करना है। लिखो, लड़की का नाम संजना, संजना की कक्षा दूसरी, संजना का स्वभाव चंचल और चुलबुला। तो ये आपको यहाँ पे लिखना है, मैं आपके लिए फिल कर देती हूँ। यहाँ पर आएगा संजना, यहाँ पर आएगा दूसरी कक्षा, अब यहाँ पर आएगा संजना का स्वभाव, तो चुलबुली और चंचल। तो ये है इसका आंसर। अब इसमें क्वेश्चन आंसर्स नहीं है, बच्चों को इसमें से भी क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाएंगे, जो कि इसमें क्वेश्चन आंसर इस टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है। तो टीचर आपको आपके अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन आंसर देगी, लेकिन मैंने कुछ क्वेश्चन आंसर्स इसमें निकाल के रखे हैं जो कि सेमेस्टर में पूछे जाएंगे। तो आपको मैं ये आंसर्स, क्वेश्चन आंसर और फिलिंग द ब्लैंक्स कुछ बता दे रही हूँ। जैसे रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, यानी फिलिंग द ब्लैंक्स। तो फर्स्ट है संजना बहुत डैश थी, संजना बहुत क्या थी, तो संजना बहुत चुलबुली थी। तो यहाँ पर हम आंसर लिखेंगे चुलबुली। जल्दबाजी में डैश में फंसकर फट गया, तो ये क्या आंसर आएगा हमारा, जल्दबाजी में बस्ता रिक्शे से फंसकर फट गया, तो यहाँ पर आंसर आएगा हमारा बस्ता, राइट। तो यहाँ पे आएगा बस्ता। संजना रिक्शे वाले को डैश को धन्यवाद देती, यानी संजना रिक्शे वाले काका को धन्यवाद देती, तो यहाँ पर आएगा काका। हड़बड़ी में संजना के हाथों से डैश गिरते थे, तो क्या गिरते थे, बर्तन, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बर्तन, ठीक है। एक वाक्य में उत्तर लिखो, तो एक वाक्य में अगर आपको उत्तर लिखना होगा तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपको सेमेस्टर में पूछा जाएगा। जैसे पहला है लड़की का नाम क्या था, तो लड़की का नाम संजना था। संजना कौन सी कक्षा में पढ़ती थी, तो संजना दूसरी कक्षा में पढ़ती थी, ये आपको यहाँ पे आंसर लिखना है। संजना कैसे स्वभाव की लड़की थी, संजना चुलबुली और चंचल स्वभाव की लड़की थी। संजना ने क्या निश्चय किया, तो संजना ने क्या निश्चय किया, वो आपको इसमें बताना है। तो इसका आंसर देखो यहाँ है, संजना ने, काका जी आपने सही कहा, तो आज से मैं निश्चय करती हूँ कि मैं कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करूँगी। तो उसने निश्चय किया कि मैं आज से कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करूँगी। तो इसका आप लोग एक प्रॉपर स्क्रीनशॉट ले लो फिलिंग द ब्लैंक्स एंड क्वेश्चन आंसर का। आपको ये ज़रूर आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में इस तरह से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो बाकी हमारा ये चैप्टर यहाँ पर हो चुका है कम्प्लीट, चैप्टर नंबर 6 जल्दबाजी। आपको ये चैप्टर कैसा लगा, मॉरल ऑफ द स्टोरी आपको कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। बाय।